दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों इस वक्त की जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें हम आपको बता दें कि क्या सच में पीएम मोदी ने दे दिए हैं लॉकडाउन बढ़ने के संकेत, तो आइए जानते हैं विस्तार में। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन में अब तक देश के लोगों की ओर से दिखाए गए विवेक की सराहना की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे एक बार ये चर्चा फिर से जोर पकड़ सकती है कि कहीं लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल से और आगे बढ़ाने पर मंथन तो नहीं चल रहा है। वैसे अब तक आधिकारिक रूप से सरकार ने इसका खंडन ही किया है, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के भाव को पढ़ने की कोशिश करें तो उस संभावना से पूरी तरह इनकार किया नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि जनता कर्फ्यू से पहले भी उन्होंने देशवासियों से कुछ हफ्ते मांगा था और बाद में 3 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया था। और भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान अब तक देश के लोगों की ओर से दिखाए गए संयम की सराहना की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहकर कि ये लड़ाई लंबी है कई तरह की अटकलों को हवा दे दी है। और आपको बता दें पीएम मोदी के संकेतों पर कुछ चर्चा करें तो उससे पहले जान लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। पीएम मोदी ने चाइनीज वायरस के प्रकोप के खिलाफ देशवासियों की ओर से रविवार रात घरों की रोशनी बंद करके और मोमबत्ती और दिया जलाकर दिखाई गई एकजुटता की चर्चा करते हुए कहा कि 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का महाप्रयास और उससे जन्मे महाप्रकाश में देशवासियों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। और मैं समझदारी के साथ कहता हूं कि ये लंबी लड़ाई है, न थकना है न हारना है, लंबी लड़ाई के बावजूद भी जीतना है, विजय हो करके निकलना है। आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक है, चाइनीज महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन के चलते जा रही लोगों की नौकरियां, बेरोजगारी दर 23.4% पर पहुंची। जी आपको बता दें कि नौकरियों के आंकड़ों का पूर्वानुमान इस बात की ओर संकेत देता है कि चाइनीज वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर तो बड़ी चोट पहुंचेगी ही और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ जाएगी। चाइनीज वायरस प्रकोप के चलते शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 30.9% हो गई है और कुल बेरोजगारी दर बढ़कर 23.4% पर पहुंच गई है। और ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के साप्ताहिक ट्रैकर सर्वे पर आधारित है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के ताजा आंकड़े सोमवार शाम को जारी हुए हैं और CMIEE का अनुमान है कि बेरोजगारी दर मार्च महीने के मध्य के 8.4% से बढ़कर 23% हो गई है। देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन ने कहा है कि मोटी गणना के अनुसार लॉकडाउन के 2 हफ्तों में ही करीब 5 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने कहा अभी लोगों को अपने घर भेज दिया गया है, इसलिए बेरोजगारी का आंकड़ा और ऊपर जा सकता है और ये कुछ समय बाद सामने आ सकता है। और वही अगली खबर बता दें कि के चंद्रशेखर राव की पीएम मोदी से अपील, लॉकडाउन जून तक बढ़ा दीजिए वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। जी आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन को जून महीने तक बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चाइनीज वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी है वरना इस पर कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन से परेशान KCR ने कहा कि तत्काल सभी CM से बात करके लॉकडाउन को जून के पहले हफ्ते तक बढ़ा देना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि वो लगातार पीएम मोदी के संपर्क में हैं, अगर केंद्र ने किसी कारण से लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर भी तेलंगाना में इसे 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा KCR ने चाइनीज वायरस के आपदा में डट का ड्यूटी कर रहे मेडिकल स्टाफ की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है और वहीं सफाई कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव की घोषणा की है। बताते चले कि तेलंगाना में चाइनीज वायरस के अब तक के 364 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं जिसमें 45 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और वही 11 लोग इस गंभीर बीमारी से लड़ते हुए अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में फंसे बिहारियों को 1-1 हजार दे रही सरकार, कागजात के साथ अपलोड करें सेल्फी।
जी हम बात करें कि चाइनीज वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में राज्य के बाहर फंसे बिहारियों को राज्य सरकार 1,000 रुपए देने की सहायता कर रही है और इसे प्राप्त करने के लिए मोबाइल पर बिहार चाइनीज वायरस सहायता ऐप डाउनलोड करें और उसमें सेल्फी व कुछ कागजात के साथ जानकारी दर्ज करें। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा रही है और बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आवेदकों को राशि पाने में कोई परेशानी होने पर संपर्क के लिए वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल नंबरों की भी जानकारी दी है। आपको बता दें लॉकडाउन से सूबे से बाहर फंसे लोगों को बिहार सरकार 1,000 रुपए की तत्काल सहायता दे रही है और इसके लिए ऐसे लोगों को सेल्फी के साथ आधार कार्ड की कॉपी व बिहार के किसी बैंक में अपने नाम से खाता की जानकारी देनी है। लाभार्थी के फोटो यानी कि सेल्फी का मिलान आधार डेटाबेस के फोटो से भी किया जाएगा, इसलिए आधार का फोटो स्पष्ट होना चाहिए और मोबाइल ऐप पर जानकारी मिलने के बाद जीपीएस ट्रैकिंग पर पता लगाया जा रहा है कि आवेदक बिहार से बाहर है या नहीं। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सेल्फी के साथ मांगी गई जानकारी देते ही उसे राज्य मुख्यालय जांच के बाद संबंधित जिलों को भेज दे रहा है और फिर जिला स्तर पर राशि को स्वीकृत किया जा रहा है। केवल पश्चिम चंपारण की बात करें तो अब तक के 6,257 लोगों की खाते 1,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और वहीं पश्चिम चंपारण के प्रवासी श्रमिक कोसांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता एडीएम नंद किशोर साह ने बताया कि बाहर फंसे श्रमिकों को न केवल राशि का भुगतान किया जा रहा है बल्कि आवेदक को निर्धारित ऐप डाउनलोड व ऑपरेट करने की जानकारी भी दी जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग में पीएम मोदी को लॉकडाउन की अवधि बढ़ा देना चाहिए या नहीं, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर चाइनीज वायरस से फैले महामारी के बारे में आ रही है कि क्या भारत तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब। जी आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में चाइनीज वायरस स्टेज 2 से आगे निकल चुका है लेकिन स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है। भारत में चाइनीज वायरस इन दोनों स्टेज के बीच है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि भारत अभी दूसरे और तीसरे चरण के बीच की स्थिति में है, यानी भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। तीसरे चरण में पहुंचने से रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के एक बयान के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर गुलेरिया के संक्रमण की अधिकता वाले स्थान विशेष के बारे में व्यापक संक्रमण की बात कही है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम थर्ड स्टेज में हैं। बता दें कि दूसरे स्टेज में देश के लोगों में विदेश से आए लोगों के जरिए संक्रमण फैलता है और तीसरे स्टेज में पहुंचने पर वायरस संक्रमित लोगों के आसपास मौजूद दूसरे लोगों में फैलने लगता है। लव अग्रवाल ने बताया कि 76% चाइनीज वायरस संक्रमण से संक्रमित लोग पुरुष हैं जबकि 24% महिलाएं इस वायरस से संक्रमित हैं और सभी राज्यों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। 1100 करोड़ रुपए पहले ही नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 3000 करोड़ आज जारी किए जाएंगे। किसी भी राज्य में आवश्यक सामान की कमी न होने पाए इसके लिए भी युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले 13 दिनों में भारतीय रेलवे ने 1340 गाड़ियों से चीनी, 948 गाड़ियों से नमक और 316 गाड़ी व टैंक से खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया है। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम मनोहर लाल ने दिए हैं संकेत। जी आपको बता दें कि हरियाणा में चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चाहा कि लॉकडाउन चरणों में खत्म होगा अथवा उन्होंने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जरूरत समझी तो हरियाणा सरकार दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चाइनीज वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मियों की भूमिका जमकर तारीफ की है और सीएम ने उनको सफेद कपड़ों में भगवान की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाइनीज वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रति सरकार नतमस्तक है और ये सफेद कपड़ों में डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होंगी। मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही प्रत्येक डॉक्टर्स की सराहना करते हुए उन्हें चिट्ठियां लिख चुके हैं। पर बता दें कि चाइनीज वायरस के बाद अब मौसम भी करेगा परेशान। दिल्ली में पारा जा सकता है 40 के पार। जी आपको बता दें कि बीते सर्दियों में दिल्ली का तापमान शिमला से भी कम हो गया था। जिस तरह दिल्ली ने सर्दी में सारे रिकॉर्ड तोड़े थे उसी तरह इस बार गर्मी में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रही है और अभी अप्रैल का पहला सप्ताह बीतने को है और तेज धूप ने दिल्ली NCR में दस्तक दे दी है। माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर दिल्ली NCR का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा और
संभव है अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाए। 20 अप्रैल तक पारा पहुंच सकता है 40 डिग्री के पार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा, लेकिन गर्मी का दौर जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।